राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 जैसे ही विपक्षी दलों ने अपना गठबंधन का नाम इंडिया रखा है तो इन लोग इंडिया को हटाना चाहते हैं। भाई भारत तो हम सबों के लिए मान्य है और सम्माननीय है, हम इंडिया को भी उतना सम्मान करते हैं, भारत को भी उतना सम्मान करते हैं और हम लोग हिंदुस्तान भी बोलते हैं, भारतवर्ष भी बोलते हैं। तो अब लेकिन दुनिया में जो हिंदुस्तान का नाम है या भारत का नाम है वो इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो अगर इतना ही हम लोग को ये पता रहता कि आदरणीय मोदी जी हमारे गठबंधन का नाम इंडिया रखने से इतनी तकलीफ हो जाएगी या इतना डर हो जाएगा, खौफ हो जाएगा कि इंडिया का नाम ही हटा देना चाहेंगे तो बड़ा हम लोग कुछ और नाम रखते, क्योंकि भाई हमारी पहचान दुनिया भर में इंडिया के नाम से, और हम लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो अपने को भारतीय बोलते हैं या भारतवासी बोलते हैं, हिंदुस्तानी बोलते हैं, इंडियन बोलते हैं। तो ये वाकई बहुत ही मैं तो यही अपील करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि हिंदुस्तान के लोगों ने ये तय कर लिया है कि 24 का इलेक्शन हो या 24 से पहले वो इलेक्शन कराएं, इंडिया गठबंधन ही यहाँ पे हुकूमत करेगी। और मोदी जी को 10 सालों में देख लिया कि ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करती है, हमारे युवा रोजगार कहीं नहीं मिल रही, हमारे जो किसान हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, उनको जो डबल इनकम की बात कर रहे थे वो कहीं नज़र नहीं आ रही है, और हमारे जो ज़मीनें छीनी जा रही है चाइना से उसके बारे में कुछ चर्चा करने से भी घबराते हैं। अभी एक बिजनेसमैन के बारे में दुनिया के अखबारों में आया कि गबन किया है उन्होंने, उसके बारे में चर्चा नहीं कराना चाहते। हमारे जब आदरणीय नेता पार्लियामेंट में उस पर बहुत सिंपल से सवाल किया, उसको जवाब देने की बात तो दूर, उनका सदस्य कैसे खत्म हो उस पर उन्होंने पहल कर दी। तो बड़ा अफसोस लगता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और ये जो आरएसएस की सरकार है ये हिंदुस्तानियों के युवाओं के हित के बारे में नहीं सोचती, युवाओं हिंदुस्तान के लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचती। महंगाई बढ़ती जा रही है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इनको चिंता नहीं। सर 40 सीटों में से कितने सीटों पर बिहार से चुनाव लड़ेगा कांग्रेस? देखिए अगर आप किसी बीजेपी कार्यकर्ता से पूछिएगा, किसी नेता से पूछिएगा और उसको कहिएगा कि भाई आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, तो वो लोग बोलेगा कि हम लोग को इस मरतबा एक भी सीट बिहार में नहीं, और जितने 40 के सीट कांग्रेस आरजेडी जेडीयू और भी अगर इसमें एक दो पार्टी छोटी पार्टी शामिल होगी, 40 के 40 सीट इंडिया के गठबंधन के पार्टी जीतेगी।